लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। तेजाब खुदा गवाह, धड़कन, सपूत सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में अपना सिक्का जमाने वाले फिल्म अभिनेता किरण कुमार इंदौर में आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने इंदौर की जमकर तारीफ की और शहर में होने वाले आईफा अवार्ड को लेकर भी अपनी राय रखी। अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाने वाले फिल्म अभिनेता किरण कुमार ने पत्रकारों के सामने अपने कई तरह के अनुभव साझा किए। उन्होंने इंदौर की जमकर तारीफ की और शहर में होने वाले आईफा अवार्ड को लेकर सीएम कमलनाथ की भी सराहना की। एक निजी शैक्षणिक संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करने आए किरण कुमार ने कहा कि वह देश के सभी प्रधानमंत्रियों पर एक पॉलिटिकल शो करने जा रहे हैं, लेकिन वह राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने बॉलीवुड शब्द को लेकर कहा कि इसे हिंदी फिल्म जगत कहें, बॉलीवुड नहीं। उनका कहना है कि ना जाने किसने हिंदी फिल्म जगत को बॉलीवुड शब्द दिया है, हम बॉलीवुड से ज्यादा फिल्म देते हैं। वह बोले कि हम वर्ष में करीब 2000 फिल्में देते हैं जबकि हॉलीवुड 600 फिल्में देता है, हम हॉलीवुड से बड़े हैं। इस दौरान किरण कुमार ने इंदौर के खान पान को लेकर भी तारीफों के पुल बांधे और कहा कि मैं यहां से कई खाने की चीजें मुंबई मंगवाता हूं। और भी कई सवालों के जवाब किरण कुमार ने बेबाकी से दिए। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। बॉलीवुड नहीं कहिए, बॉलीवुड मत कहिएगा, डोंट से बॉलीवुड। सर अब क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो हॉलीवुड से ये लफ्ज आ गया, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड लॉलीवुड, वो मत कीजिए। हम लोग जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो 2000 फिल्में साल की बनाती है, हॉलीवुड जो है वो 600 फिल्में बनाता है, तो हम हॉलीवुड से बड़े हैं। तो प्लीज मेरी इंडस्ट्री को आप बॉलीवुड मत कहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए। सर किस तरह का चेंज देखते हैं आज आप? सर क्या चेंज? फैंटास्टिक चेंज, सम कमाल की फिल्में बनने लगी, नया कंटेंट। देखिए अब जमाना ऐसा आ गया है कि कंटेंट चलता है, लोगों को कुछ अलग दीजिए वो चलता है। अब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक सिर्फ स्टार ही गारंटी नहीं करता बॉक्स ऑफिस सक्सेस की। हाँ स्टार गारंटी करता है, 100-150 करोड़ के बिजनेस होते हैं, और लेकिन आज की तारीख में कंटेंट जो है, ऑडियंस गुड कंटेंट देखना चाहती है, और एक बहुत ही अच्छा चेंज ओवर आया हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और ये एक ऐसा वक्त आया है कि जो ज़रूरी था, और मैं शुक्र करता हूँ कि वक्त आया जब टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कंटेंट को सराहा जा रहा है। इंदौर की क्लाइमेट, इंदौर के का प्यार, इंदौर के लोग, 56 दुकान का हॉट डॉग, अग्रवाल स्वीट्स, सनी की गजक तो मैं अभी भी मंगाता हूँ। सनी जो शीतल की गजक, उसके जो मालिक है उनका नाम सनी है, शीतल की गजक अभी भी वो तिल की और मूंगफली की गजक मेरे घर आती है, मैं अभी मंगाता हूँ, अभी भी वापस जा रहा हूँ, तो मेरे सूटकेस में पैक है शीतल की गजक। और मैं इंदौर की हर चीज़ को मिस करता हूँ, एक इजी लेड बैक शहर है, बहुत अच्छा, यहाँ के लोगों को बहुत फुर्सत है, यहाँ पर कोई मुंबई की तरह यहाँ से वहाँ भाग नहीं रहा है, हर आदमी रिलैक्स, आप सड़क पे देखिए हर आदमी रिलैक्स चल रहा है। बता दिया सबको मैंने ऑलरेडी, आप लेट क्यों आए, वही बात मैं रिपीट, मैंने सबको बता दिया कि मैं इंदौर में क्यों आया हूँ। मैं इंदौर इसलिए आया हूँ क्योंकि प्रेस्टीज का ये शो है, और मैं इंदौर, मेरे प्रेस्टीज के शो में आने का जो मकसद है या कारण है वो क्यों है वो भी मैं सबको बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो ये बैठे हैं जुबैर खान साहब, इनसे पूछ लीजिएगा। खैर हाँ जी सर, आईफा होने जा रहा है इंदौर में सर, बहुत फैंटास्टिक है। और मैं सुरेंद्र सिंह बघेल जो हैं वो हमारे ओल्ड एलियन हैं, हमारे मेरे स्कूल के हैं, मेरे जूनियर हैं वो, और मैं उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, लॉर्ड करता हूँ, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम कि जिस तरह उनके एफर्ट्स की वजह से आईफा जो है वो इंदौर आ रहा है। कमलनाथ जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर इंदौर, इट्स नॉट ओनली बिग थिंग फॉर इंदौर, इट कैन बी, मतलब ये एक बहुत बड़ी इवेंट है जिस शहर में होगी उस शहर के लिए, और इंदौर में हो रही है तो ये तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। पर अफसोस ये है कि मैं 18 मार्च से लेके फॉर द नेक्स्ट 40 डेज मैं कंट्री के बाहर हूँ, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, अगर होता तो ज़रूर आता। एंड आई विश आईफा, आई विश इंदौर सबकी नज़रों में आए, सब देखें कि हाँ इंदौर जैसा ब्यूटीफुल क्लीन सिटी, वहाँ पर हमने आईफा किया। और मज़े की बात यह है कि हो रहा है मेरे स्कूल में, दिल्ली कॉलेज में हो रहा है, तो ये तो और भी बड़ी बात है।
तो और डेली कॉलेज मेरे लिए जो है वो सिर्फ मेरा स्कूल ही नहीं है, एक मंदिर है जहाँ पर मैं हमेशा अपना माथा टेकने आता हूँ। और मैं बहुत मेरे लिए बहुत ही कमाल की न्यूज़ है और बहुत गर्व की बात है कि इस टाइम जो आईफा है वो डेली कॉलेज में हो रहा है, इंदौर में। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।